नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आठ की कड़क खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। खबर रतलाम से, जहां गणेश भगवान की स्थापना जुलूस के दौरान पत्थर फेंकने के मामले ने तूल पकड़ लिया। मोचीपुरा हाथीखाना क्षेत्र में दोनों पक्षों की ओर से पथराव हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो पूरा विवाद भगवान गणेश की स्थापना जुलूस के दौरान पत्थर फेंकने से लेकर शुरू हुआ था, और ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया, मोचीपुरा हाथीखाना क्षेत्र में दोनों पक्षों की ओर से पथराव हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स तैनात की गई है। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन हालात जो है वो काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। देर रात की आप कुछ तस्वीरें देखिए, जहाँ हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा भीड़ को तितर बितर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पत्थर फेंकने के बाद जो हालात थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। विवाद की स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी, और काफ़ी समझाइश के बाद मामले को शांत कराया गया। देर रात की तस्वीरें आपके सामने। मोचीपुरा की तरफ जाते हुए कुछ जगहों पर जो है पत्थर वत्थर फेंके, पुलिस तत्काल वहाँ पर मौके पर पहुंचकर पूरे स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। सभी लोगों को तितर बितर करके बाकी सब जगह पर फिक्स पिकेट पॉइंट्स लगाए गए हैं, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि प्रॉपर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अभी फिलहाल स्थिति जो है वो सभी जगह पर हमारे पिकेट पॉइंट लगे हुए हैं, कहीं पे कोई ऐसी स्थिति नहीं है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है, हमारे अधिकारी भी जो है वो जगह जगह पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों ओर से पथराव हुआ। दरअसल गणेश स्थापना के दौरान जिस तरीके से जो झांकी निकाली जा रही थी, इस दौरान पथराव हुआ, और पथराव दो पक्षों के विवाद में बदल गया, और इस दौरान काफ़ी धक्का मुक्की के आसार बने। तुरंत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने की तमाम कोशिशें की गई हैं। ये देखिए तस्वीरें, जब पथराव हुआ तो उस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची है, और जो यहां पर दोनों पक्ष थे उन्हें आपस में शांत करने की कोशिश। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंदौर के विकास पर मुख्यमंत्री आज मंथन करने वाले हैं, और इसके पहले हम देखेंगे जहां पर भगवान गणेश की स्थापना जुलूस के दौरान पत्थर फेंकने के मामले ने तूल पकड़ लिया। तो भगवान गणेश की स्थापना जुलूस के दौरान पत्थर फेंकने के मामले ने तूल पकड़ लिया। मोचीपुरा हाथीखाना क्षेत्र में दोनों पक्षों की ओर से पथराव हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। फिलहाल शांति है, लेकिन हालात तनावपूर्ण हैं। तो देखिए आप ये तस्वीरें, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए हल्का बल का प्रयोग भी किया, और यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई क्योंकि पथराव हुआ। पथराव के बाद हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई हैं, और सीधे रुख करेंगे संवाददाता सुधीर जैन जुड़ गए हैं। सुधीर, अभी क्या हालात हैं वहां पर? जिस तरीके से उपद्रव हुआ, भीड़ को खदेड़ा गया, पत्थरबाजी हुई है, अभी कैसे हालात? देखिए, अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात की गई है। रतलाम का हाथीखाना और मोचीपुरा ये क्षेत्र है, स्टेशन रोड थाना क्षेत्र की जद में आता है, और कल रात जिस तरह से बवाल यहाँ पे हुआ, जो गणेश जी का चल समारोह यहाँ से निकल रहा था, गणेश जी की प्रतिमा ले जाई जा रही थी, इसी दौरान उसे पत्थर आता है, और उसके बाद से ही माहौल यहाँ पे बिगड़ गया। जो नाराज लोग थे उन्होंने थाने का घेराव कर दिया, और उसके बाद जो आक्रोशित लोग थे वो भीड़ मोचीपुरा हाथीखाने की ओर बढ़ गई। उसके बाद दोनों ही ओर से पत्थर चले और भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। पुलिस को लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठियां तक भांजनी पड़ी। वही कुछ लोग जो स्टेशन रोड थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, बड़ी भीड़ थी, उन पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक चलाए हैं। तो पुलिस अब लगातार जो पूरे शहर में सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको खंगाल रही है कि आखिर कौन लोग हैं जो हंगामा कर रहे थे, और कौन वो शख्स है जिसने गणेश जी के चल समारोह पर पत्थर फेंका था। आखिर कौन है जो शहर की फिजा
जो त्यौहार होते हैं उसी समय बिगाड़ने का हर बार प्रयास करता है, तो उन लोगों को जो है उनकी उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस लगातार जो है अब एक्शन ले रही है। रतलाम SP राहुल लोढ़ा के अनुसार शहर में शांति है और धार के साथ ही जावरा बटालियन से भी फोर्स यहाँ पे बुलाकर शहर में लगाया गया है। तो अब जो है धरपकड़ का दौर जारी होगा, चूंकि आज खबर यही है कि दोनों ओर से ज्ञापन भी हो सकते हैं। तो आज का दिन रतलाम पुलिस प्रशासन के लिए बेहद अहम है कि कैसे ही वो दोनों पक्षों को यहाँ पे समझाई देगा, चूंकि पथराव हुआ है। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि किसी भी तरह का कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, किसी भी शख्स को यहाँ पे चोटिल नहीं हुआ है। बड़ी बात इस पूरे मामले में यही है, लेकिन हंगामा बहुत ज्यादा हुआ पथराव के बाद में। जिस तरह से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा खदेड़ने के लिए, तो वो वीडियो भी अब सोशल मीडिया में तेजी से फैल रहे हैं। खबर यही है कि आज भी बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। और देखना यह है कि जो पुलिस प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, वो आखिर इन सभी जो प्रदर्शन को रोकने के लिए या तनाव को रोकने के लिए किस तरह के एहतियात के कदम यहाँ पे उठाना, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लगातार नजर बना के रखिए। आगे बढ़ेंगे जहां इंदौर के विकास पर मुख्यमंत्री आज करेंगे मंथन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई है, इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में बैठक बुलाई गई है। इंदौर के विकास के खाके पर मंथन होगा, तो वहीं इंदौर जिले का प्रभार है मुख्यमंत्री के पास और आज प्रमुख बैठक होगी विकास के मुद्दे को लेकर, और इसके चलते बैठक बुलाई गई है इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर इंदौर के विकास के खाके पर मंथन होगा। इंदौर जिले का प्रभार मुख्यमंत्री के पास बना हुआ है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अलग अलग जिलों के प्रभार दिए गए हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री के पास इंदौर का प्रभार है और आज इंदौर के विकास को लेकर ये प्रमुख बैठक ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में बुलाई गई है, जहां जिले के प्रभारी के रूप में मुख्यमंत्री आज ये बैठक बुलाए हुए हैं और बैठक के दौरान इंदौर के विकास के खाके पर मंथन होगा। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, अलग अलग जिलों के प्रभार दे दिए गए हैं और इंदौर का प्रभार मुख्यमंत्री के पास है, प्रमुख बैठक बुलाई गई है इंदौर के विकास के मुद्दे को लेकर। निश्चित तौर पर देखिए, मध्यप्रदेश के लिहाज से इंदौर जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण शहर है। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को माना जाता है, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और एक बड़ा कल्चरल सेंटर भी है। इंदौर का विकास किस तरीके से सही रास्ते पर हो, वहाँ पर बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए क्या कुछ सुविधाएँ मुहैया करानी है, मेट्रो का काम जो है वो इंदौर में चल रहा है, इसके साथ साथ आधुनिकता और क्या क्या शहर के अंदर लानी है, कैसे विकास को बढ़ावा देना है, रोज़गार को किस तरीके से बढ़ावा देना है, लोगों को किस तरीके से सुविधाओं को बढ़ाने देने का काम करना है, इसको लेकर CM आज इंदौर में मंथन करेंगे। इस पूरी बैठक के दौरान इंदौर के कमिश्नर, इंदौर के कलेक्टर, जनप्रतिनिधि भी पूरी बैठक में शामिल होंगे और फीडबैक जो है CM तमाम अधिकारियों के साथ लेंगे, क्योंकि प्रभार के जिलों की अगर बात करें तो CM ने खुद इंदौर का जो प्रभार है वो अपने पास रखा हुआ है और यही उन्होंने खुद कहा था कि मैं इंदौर जाऊंगा और वहाँ के विकास कार्यों को लेकर, वहाँ के डेवलपमेंट के मॉडल को लेकर अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से चर्चा करूंगा और लोगों से भी जो राय है वो ली जाएगी। इसके अलावा CM ने तमाम अलग अलग जिलों के जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं उनको भी ये निर्देश दिए कि आप लोग लगातार अपने प्रभार वाले जिलों में जाएं, वहाँ पे दौरा करें, वहाँ की समस्याओं को समझें और उनका निराकरण करने का काम करें। तो CM खुद इन तमाम गाइडलाइंस का, इन तमाम बातों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार सक्रियता के साथ जमीनी स्तर पर किस तरह से काम किया जाए, सरकारी योजनाओं को जामा पहनाया जाए, इसको लेकर लगातार जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। आज इंदौर के विकास का एक नया खाका जो है वो तैयार होगा और फिर उसे जमीन पर उतारने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग है वो खिंचाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वासु। और इस तरीके से खाका तैयार होगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दंतेवाड़ा में बच्चे के अपहरण के मामले में पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। कोतवाली पुलिस ने फेरी वालों और ठेले वालों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। फेरी वालों और ठेले वालों को कोतवाली बुलाकर उनके सभी दस्तावेज चेक किए गए।
साथ ही परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भी ली गई है। बता दें कि कुंदुम में बच्चे के अपहरण के बाद पुलिस अब फेरी वालों की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। करीब 7 दिन पहले 6 महीने के बच्चे का अपहरण हो गया था, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली बताए जा रहे हैं। और संवाददाता दिनेश जुड़ गए। दिनेश, 6 महीने के मासूम का अपहरण हुआ और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, और इसके चलते ये एक नया प्लान है जिसमें सभी लोगों को बुलाकर, जितने भी फेरी वाले हैं, गुमटी वाले हैं, क्या ये बैठक बुलाई गई है, जानकारी दें इसके विषय में। जी हम आपको बता दूं कि जो 1 तारीख को 6 माह के दुधमुहे बच्चे का जो अपहरण हुआ था, उस अपहरण को लेके जो आदिवासी समुदाय हो वो आक्रोशित नजर आ रहा है। और कल जो आदिवासी समुदाय का एक बैठक भी हुआ और उस बैठक में पुलिस को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि बच्चे को जल्द से जल्द माता पिता के सुपुर से खोज कर किया जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन होगा। इसी मामले को लेकर पुलिस हमें एक्शन मोड पर आ गई है और पुलिस आसपास के क्षेत्रों में टीम बनाकर काम कर रही है और फेरी वाले, ठेले वाले जैसे यहाँ पर जो है उनको कोतवाली में तलब किया गया, कोतवाली बुला के उनकी पूछताछ जारी है। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो आदिवासी समुदाय जो उग्र होता नजर आ रहा है, क्योंकि 6 माह के बच्चे के का सवाल है। तो इसी मामले को लेके दंतेवाड़ा में फेरी वाले, ठेले वाले लोगों को बुलाया गया और छानबीन जारी है। कुल मिला के पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को पुलिस को जवाब देना है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दिनेश। और ये वाकई में बहुत हैरान करने वाला विषय है, 6 महीने के मासूम का अपहरण हुआ है। कांकेर में नकली खाद बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जहां नमक में रंग लगाकर बनाते थे नकली खाद और नकली खाद सप्लाई करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान से गिरफ्तार किए गए हैं आरोपी। ऊंचे दामों पर नकली खाद बेचकर किसानों को चूना लगा रहे थे। नकली खाद बनाने वालों पर पंखाजूर पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी कांकेर से संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए हैं। खेम नारायण, वाकई में हैरान करने वाली बात है, जहां पर नकली खाद नमक मिलाकर बनाई जा रही थी और ये तो फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता नमक। जी बिल्कुल, फसलों को भी बर्बाद कर देता और किसान की जो गाढ़ी कमाई होती है उसे भी जो है ये नकली खाद बनाने वाले जो गिरोह है उसके द्वारा जो है किसानों को चूना लगाया जा रहा था। और ये जो मामला है, 1 माह पहले जो है नकली खाद के साथ एक ट्रक पकड़ी गई थी और पखांजूर के ही एक दुकानदार विक्रेता जो है, खाद विक्रेता है, उस पर कार्रवाई हुई थी। उसके बाद जो है इस मामले का खुलासा हुआ कि राजस्थान की एक जो कंपनी है उसके द्वारा जो है नमक में रंग लगाकर जो है खाद बनाया जा रहा है और नकली खाद को जो है पखांजूर जो क्षेत्र है वहां पर खपाने के लिए मंगाया जा रहा है। उसके बाद पुलिस ने जो है एक टीम गठित की, टीम ने राजस्थान में जाकर जो है 6 आरोपियों में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके अभी छत्तीसगढ़ लाया गया है और उनको जेल भेजने की तैयारी है और जो 2 आरोपी फरार है उनको भी जल्द पकड़ लेने की बात जो है पुलिस कर रही है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब आरोपियों को पकड़ने की कोशिश और पुलिस कर रही है, हालांकि जो 4 तस्कर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कवर्धा से खबर है, जहां तेज डीजे बजाने वालों पर पुलिस का एक्शन। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत दी गई है। अगली बार होगी नियम तोड़ने पर डीजे जब्त करने की चेतावनी। तेज डीजे बजाने वालों पर होगी पुलिस की नजर, और अगर आप तेज डीजे बजाते हैं तो आपका डीजे जब्त किया जा सकता है, इसलिए बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि एसपी ने फटकार लगाई है। लोगों की इससे नींद खराब होती है, कई बार जो हार्ट पेशेंट है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसी तमाम समस्याएं होती हैं जब आसपास के लोगों को भारी परेशानी होती है, और इस वजह से डीजे धीमे बजाने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। सूरजपुर में लाखों की लकड़ी बरामद की गई है। अवैध तरीके से की गई थी पेड़ों की कटाई और नहीं मिले कोई दस्तावेज। लकड़ियों को उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था और इस पूरे मामले में जब पुलिस ने तहकीकात की है, दस्तावेज जुटाने की कोशिश की, तो पता चला कि ये बड़ी संख्या में जो लकड़ी तस्कर हैं, इन्होंने पेड़ काटे बिना अनुमति के और इन पेड़ों को यूपी ले जाया जा रहा था। इन लकड़ियों को यूपी ले जाने के दौरान पुलिस ने धर दबोचा।
गैर इमारती हरे भरे वृक्षों को बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर या ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बगैर कटवा रहे हैं और उसका विधवान कर रहे हैं। तो इस प्रकार की शिकायत आने पर एक सप्ताह पहले हमने एक ट्रक पकड़ी है, उसके खातेदारों को आहूत कर रहे हैं तो वो पेशी में आ नहीं रहे हैं। इसी प्रकार का शिकायत आई तो 12 बजे रात को हम जाके एक ट्रक पकड़े हैं, उसको दोनों ट्रकों को थाना में खड़ी करके रखे हैं और उसमें अनधिकृत कटाई और अनधिकृत परिवहन का केस बना के उनको जुर्माना कराएंगे और राज साथ करवाएंगे। रायगढ़ में संस्कृति का महाकुंभ चक्रधर समारोह में लोक नृत्यों के अद्भुत रंग दिखाई दे रहे हैं। समारोह में सीएम साहब भी जमकर थिरके और जब गृह ग्राम बगिया के कर्मा नर्तकों ने मांदर की थाप पर कर्मा नृत्य किया। सीएम साहब भी खुद को रोक नहीं सके और मंच पर आ गए। सीएम साहब भी हाथ में मांदर थाम कर जमकर थिरके और इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और ओपी चौधरी ने कर्मा नृत्य किया। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें एमपी के 3 शहरों ने टॉप 10 में जगह बनाई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर जबलपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया, इंदौर को 7वां और भोपाल को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। देश के 131 शहरों में जबलपुर को सर्वाधिक 100% अंक प्राप्त हुए, जो शहर की वायु गुणवत्ता में आए महत्वपूर्ण सुधारों को दर्शाते हैं। महापौर जगत बहादुर सिंह और निगम आयुक्त प्रीति यादव के नेतृत्व में जबलपुर नगर निगम ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। तो जबलपुर को देश में दूसरा स्थान मिला है, जहां पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें एमपी के 3 शहर टॉप 10 में जगह बनाए हैं। जहां स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर जबलपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया है, इंदौर को 7वां और भोपाल को 8वां स्थान मिला है। देश को 131 शहरों में जबलपुर को सर्वाधिक 100% अंक प्राप्त हुए हैं। लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बबड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से अब तक 8 लोगों की मौत की खबर आई है। 28 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल भेजा गया। 2 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें KJMU रेफर किया गया है। हादसा ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में हुआ, जहां पर 3 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए तुरंत अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के आदेश दिए, साथ ही घायलों के बेहतर इलाज और तुरंत मदद के लिए टीम भी लगाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के DM से हालात की जानकारी ली। NDRF की एडवांस टीम मौके पर मौजूद है। 1 NDRF, 2 SDRF की टीम मौके पर राहत और बचाव के काम में जुटी है, तो स्थानीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। देखिए, अभी तक जो है, कल से जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका
आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनके जो इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। मृतकों की संख्या 8 है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी प्रार्थना भी ईश्वर से ये कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो संवेदनशीलता के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक जो जिसके कोलैप्स होने की स्थिति थी उनको हम लोग निकाल चुके हैं, बाकी लोगों के लिए भी हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। कितना क्या कुछ अनुमानित लग रहा है, कितने समय में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया? हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग 5-6 घंटे में और आगे 5-6 घंटे में इसको फिनिश कर लेंगे और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो संवेदनशील हैं उसको भी सिक्योर कर रहे हैं।